नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। जून का महीना और मिथुन राशि की बात, बिल्कुल वायु तत्व की राशि है। भले ही ये वायु तत्व की राशि है, लेकिन गर्मी तो इतनी है कि पूछिए मत कि जून के महीने में ये वायु तत्व की राशि आपको कितना फायदा दे सकती है, यानी आपके लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों से आपने अटेंटिव रहना, अलर्ट रहना, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने बच करके रखनी है अपने आप को, कौन सी चीज़ों के फैसले आप बहुत बेझिझक ले सकते हैं, इसी की पूरी जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए जून के महीने में किन चीज़ों को लेकर के सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं, तो आपकी राशि से द्वादश भाव में, ट्वेल्थ हाउस में, यानी आपकी राशि से ट्वेल्थ हाउस में गुरु, बुध और सूर्य, तीन ग्रहों की युति, तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब ये क्या संकेत दे रहे हैं कि खूब सारी भाग दौड़ करिए, खूब अच्छे से भाग दौड़ करिए ताकि आपको अच्छा फायदा मिल सके। यानी बैठ करके कुछ नहीं मिलने वाला, आपको जून के महीने में अपने एफर्ट्स थोड़े से बढ़ाने हैं, थोड़ी सी भाग दौड़ करनी है, थोड़े से सही सोर्सेज लगाने हैं, और देखिएगा कैसे आपको फायदा दिला सकती है जून के महीने में मिथुन राशि। खूब सारा फायदा इकट्ठा कर सकती है स्वास्थ्य को लेकर के। देखिए, गर्मी का महीना है, हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि ऐसे में हमें पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बैलेंस हो जाते हैं कुछ ग्रह भी और हमारी बॉडी की एनर्जी भी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर पानी की मात्रा है। तो ऐसे में तपती हुई गर्मी में पानी की मात्रा का कम होना स्वाभाविक होता है। तो पानी की मात्रा को जब हम बढ़ाते हैं तो हमारा चंद्रमा स्ट्रांग होता है। चंद्रमा स्ट्रांग होता है तो आप विचलित नहीं होते हो, आप कंट्रोल कर लेते हैं सिचुएशंस का, स्वास्थ्य का। खास करके आपको जून के महीने में ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल भी अपनी हेल्थ को लेकर के किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे वाटर इंटेक करना है। देखिएगा जून का महीना आपको सहयोग करेगा। भाई बहनों के साथ, पराक्रम भाव की राशि है लेकिन भाई बहनों के भाव की राशि भी हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा संभल करके चलना है, थोड़ा सा उनके साथ बैलेंस करके, रिश्तों को थोड़ा सा बैलेंस करिएगा। कई बार क्या करते हैं, हम अपने कुछ फैसले दूसरों पर थोप देते हैं, लेकिन यहाँ पर फैसले नहीं थोपने, उनकी राय भी जान लेनी है, उनकी बात भी सुन लेनी है, ताकि भाई बहनों के अंदर एक अच्छा सामंजस्य बना रहे, एक अच्छा तालमेल बना रहे। आपने जून के महीने में यही डिसीजन लेना है। अचानक धन आने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन धन तो आएगा और सुखों के साधनों पर आप खर्च कर देंगे। पैसा आया, जल्दी से मोबाइल खरीद लिया, पैसा आया घर का कोई सामान खरीद लिया, पैसा आया तो जल्दी से फटाक से गए और चीज़ खरीद के ले आए। ऐसा मत कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, अगर ज़रूरत है तो खरीदिए। अगर आपको लगता है कि समय निकल सकता है तो थोड़ा सा बचा लीजिए ना, आप ही के तो काम आएगा। चलिए, आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने खर्च के ऊपर। अपना काम खुद कीजिएगा। कई बार हमें लगता है नहीं, आज बड़ी गर्मी है, आज हमारा मन नहीं है काम करने का, तुम थोड़ा सा कर दीजिए ना, तो ये थोड़ा सा तुम कर दो, गलती की गुंजाइश है इसके अंदर, तो आपका काम गलत हो सकता है, नुकसान हो सकता है, दूसरों पर मत डालिएगा, स्वयं खुद कीजिएगा अपने काम, ताकि जून का महीना बैलेंस रहे आपके लिए। महत्वपूर्ण फैसले, निर्णय आपने लेने हैं, कोई पेंडिंग है जो आप चाहते हैं कि हम अभी इन फैसलों को ले सकते हैं और सामर्थ्य भी है, तो आप उन फैसलों को जून के महीने में ले सकते हैं। लेकिन हाँ, बीच बीच में कभी आपको थोड़ा थोड़ा संघर्ष भी करने की ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी कि काम छोटा सा था, एफर्ट्स बहुत करने पड़े, भागदौड़ इसकी बहुत करनी पड़ी हमें, लेकिन ये काम हो नहीं रहा। अगर आप जून के महीने में एफर्ट्स करेंगे, थोड़ी सी भाग दौड़ कर लेंगे, तो यकीन मानिए जून के महीने में ही आपका वो काम पूरा हो जाएगा जो काफ़ी समय से अटका हुआ था, पेंडिंग था, तो ये काम भी आपका जून के महीने में पूरा हो सकता है।
थोड़ी सी तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। अब होगा क्या कि काम आपका पेंडिंग था, आप बार बार करने जा रहे थे, लेकिन कई बार बीच में ऐसे लगेगा अब नहीं होना ये काम, और अब नहीं होना काम तो आप स्ट्रेस क्रिएट कर लेंगे, जल्दी हाइपर होने लगेंगे। तो जल्दी हाइपर मत होइएगा, क्योंकि जून के महीने में आपका काम होना है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। जल्दबाजी अगर आप मचाएंगे तो हो सकता बनता बनता काम आपका बिगड़ सकता है। पैसों की डील बड़ा ध्यान से कीजिएगा, या फिर अपने घर के किसी बड़े सदस्य को साथ में ले जा करके तब पैसों की डील कीजिएगा, ताकि आपका नुकसान ना हो। विदेश यात्रा पर अगर आपकी प्लानिंग है जाने की, तो अच्छे योग बन रहे हैं। आप अपने वीज़ा के पेपर्स जून के महीने में ही लगा लीजिएगा, ताकि इजीली आपको वीज़ा प्रोवाइड हो सके। तो यानी वीज़ा मिलने के पूरे चांसेस बन जाएंगे अगर आप जून के महीने में ही अपनी फाइल फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए भाग्य की बात करते हैं कि जून के महीने में आपका भाग्य कितना साथ देने वाला है। 73% भाग्य आपके साथ चलेगा जून के महीने में, लेकिन आपको एक खास रंग का प्रयोग जून के महीने में ज़रूर करना है, स्काई ब्लू, आसमानी रंग। आसमानी रंग की कोई भी क्लोथ, कपड़ा, हैंकी, ये आप अपने वॉलेट में, पर्स में रख सकते हैं, और ये पूरे जून के महीने में साथ रखिएगा। बहुत अच्छा लाभ देगा, बहुत अच्छी एनर्जी बनाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि जिन कामों में रुकावट आ रही थी, बार बार रुकावट आ रही थी, वो रास्ता, वो पाथ बहुत इजीली क्लियर कराएगा, तो आपके काम बन सकते हैं। अब आती है बात कि इस महीने में आपने कौन सा उपाय करना है जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिल सके। जो चीज़ें आपकी स्टक हो रही हैं, जो इजीली नहीं मिल पा रही हैं, या और भी आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जून के महीने में अपनी पूरी करना चाहते हैं, तो आपको हर दिन माता जी के, या फिर घर में जो बड़ी महिलाएं हैं उनके चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए। अब ये बात तो चलो पुरुष और लड़के, बॉयज़ तो कर लेंगे, लेकिन गर्ल्स से कई बार पैरों को हाथ तो नहीं लगवाया जाता, तो वो क्या उपाय करें? उन्हें अपनी माता जी को कुछ दाने चावल के पूरे महीने में, दो दो चार चार दाने अपनी माता जी को, या फिर घर की मुख्य महिलाएं होती हैं उनके हाथ पर रख लेने चाहिए, उनको दे करके वो चावल के दाने अपने पास रख लें, और उसे एक गुलाबी रंग के कपड़े में लपेट करके अपने वॉलेट में रखना शुरू कर दीजिए, या पर्स में रखिएगा, दो दो तीन दिन दाने, और पूरा महीना इतने से चावल बन जाएंगे। जब इतने से चावल बन जाएं तो उसे अपने घर की तिजोरी में रखिए, देखिए धन कैसे बढ़ता है, बरसात होती है धन की, तो आप इस उपाय को भी ज़रूर कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों का जून का महीना अच्छा हो गया ना, क्योंकि उपाय आपके जून के महीने को बहुत बेहतर बना सकता है। अगली राशि की बात होगी, वो होगी कर्क राशि की बात, कि जून का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कैसे उस महीने को आप बेहतर बना सकते हैं। तब तक के लिए इस राशि में इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय माता दी।